Good morning everyone. Hi, I'm Nitin Singh and I welcome you on my channel Nitinkanirikshan. Basically, last evening RBI ka finally result out ho gaya and yes, many of them were happy and many of them were like, sir, itne attempt maar ke bhi nahi hua qualify, so sir, thoda sa mood off hai. So jinka mood off hai, unko main sirf ye bolunga, please SBI jo unka 8 ko paper hai, aap please uske liye mehnat kijiye aur acche se paper dijiye jinka SBI ho gaya hai. आप प्लीज़ मेंस के लिए पढ़ाई कीजिए और इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों को बताऊंगा जिनका आरबीआई निकला है और इवन ये वीडियो एसबीआई क्लर्क वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई ऑब्वियसली खुशी होगी क्योंकि हुआ है सब कुछ अच्छा पॉजिटिव हुआ है. एंड सेकेंड थिंग अब जिन जिनका हो गया आरबीआई सबसे पहले उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने आरबीआई जैसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करी. और बहुत लोग हो गए जो आरबीआई पेपर देते ही पढ़ने लग गए थे मेंस के लिए, बट बहुत लोग ऐसे भी थे जो कि कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे. सो जिन जो पढ़ाई करने लग गए थे उन लोगों के लिए भी वीडियो अच्छा है और जो पढ़ाई नहीं किए थे कि कैसे पढ़ाई करना आखिरी के 20-25 दिन एग्जैक्टली आपके पास 24-25 दिन के आसपास है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें किस चीज़ पर प्राइम फोकस करना आपको चाहिए. सबसे पहले ये वीडियो पे मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या चीज़ पढ़ो. यार मैंने पिछले लास्ट ईयर में मैंने मोर देन 6 मेंस दिए जिसमें से क्वालिफाई भी करे हैं काफ़ी मेंस. तो अगर मैं बोलूँ तो ये एग्ज़ाम समहाउ जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मुझे लग रही है ये कहीं ना कहीं LIC असिस्टेंट मेंस टाइप लग रहा है क्योंकि आप देखो 30 मिनट 40 क्वेश्चन फिर 15 मिनट या 20 मिनट 40 क्वेश्चन होगा. तो कंप्यूटर जो मैं बताऊंगा सबसे मेन चीज़ किस पर फोकस करनी चाहिए आपको, या 40 मार्क का GK और 40 मार्क का कंप्यूटर, ये या तो आता है आपको और नहीं आता है तो नहीं आता है, यहाँ पे दिमाग लगा नहीं सकते आप. सो सबसे पहले 24 दिन में मीन्स एक महीने से भी कम है तो आपको GK कैसे करना चाहिए. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई कैप्सूल पकड़ लो और बस रट्टा मार हट करो, नहीं यार वो गया, वो ट्रेंड गया कि कैप्सूल पड़ा और हमारा काम बन गया, अब वो ट्रेंड नहीं आता. यदि मैंने जितने मेंस दिए चाहे वो IBPS PO का मेंस हो, RRB क्लर्क मेंस हो, RRB PO मेंस की बात नहीं करूँगा क्योंकि RRB PO मेंस में लास्ट 3 मंथ का पूछा था, बट उसके बाद कोई भी एग्जाम हो RRB क्लर्क मेंस, LIC असिस्टेंट मेंस, IBPS PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, इवन SBI क्लर्क मेंस भी देख लो आप, या FCI मेंस, सब में आपको आगे के 3-4 महीने ही पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको पता होगा जिसका IBPS PO मेंस होगा 30 नवंबर को, या क्लर्क मेंस होगा आपका 19 जनवरी को, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो करंट का क्वेश्चन है वो आपके जो महीने में एग्ज़ाम है वहाँ से भी पुटअप हुए हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे 19 जनवरी को पेपर है तो आपका क्वेश्चन 7 से 10 जनवरी तक आए हैं. सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको जो करंट पढ़ना चाहिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च. मार्च का भी कितना, मार्च का भी कम से कम आपको 14 मार्च तक पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी तक आपका पेपर सेट नहीं हुआ होगा. सो आप वहाँ तक आप मेंस वो पढ़िए करें. और सोर्सेज क्या करना, लोग बोलते हैं ड्यूअल सोर्स कीजिए, पढ़ना चाहिए. मैं खुद ड्यूअल सोर्स करता हूँ और मैं लोगों को बोलता हूँ, बट अभी टाइम बहुत कम है तो कैसे इतने कम टाइम में ड्यूअल सोर्स, आपका सिंगल सोर्स होना मुश्किल हो जाएगा कि ड्यूअल सोर्स कैसे करोगे. सो मेरे हिसाब से आप 4 महीने करिए, मंथ पढ़िए, कैप्सूल में मत जाइएगा प्लीज़, मेरा सजेशन रहेगा आपको, क्योंकि कैप्सूल में आपको 6 महीने मिल जाएंगे मगर आपको एक प्रॉपर तरीका नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें न्यूज़ आधी कवर नहीं होगी, आधी इनकम्प्लीट न्यूज़ होगी उसमें. सो बेसिकली आप प्लीज़ मंथली कैप्सूल को रिव्यू कीजिए. मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने इतना ऑब्जर्व किया, जितने मैंने मेंस दिए हैं मेरे को स्टडी IQ और अफेयर्स क्लाउड बहुत अच्छा लगा. आप बोलोगे सर प्रमोशन कर रहे हो, नहीं मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जिससे पढ़ा हूँ मैं वो बता रहा हूँ और मेरे को उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इसलिए बता रहा हूँ. आखिर मानना या ना मानना वो तो आप लोगों के हाथ में है यार. तो सबसे पहले अफेयर्स क्लाउड का कम से कम एक PDF 90 से 100 पेज का होता है, तो मैं अभी इस समय आपको अफेयर्स क्लाउड रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा. आप या तो स्टडी IQ पढ़ सकते हो, या ग्रेडअप, या GK टुडे, या आपका अड्डा, ये 4 में से कोई भी एक पढ़िए, बट मंथली पढ़िए, बहुत बेनिफिट होगा. 40 मार्क में से कम आपके 25 तक बन जाएंगे, कम से कम 25 बनेंगे, मैं मेरा वादा आपसे. उसके बाद कंप्यूटर कैसे कीजिएगा,
अगर किसी ने RRB का दिया होगा एग्ज़ाम तो उसको कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। जो कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से बिलोंग हो गए उनकी भी कंप्यूटर काफ़ी अच्छी होगी, बट जो कंप्यूटर से बिलोंग ही नहीं करते उनको कैसे पढ़ना चाहिए। आप यदि वाईफाई स्टडी को चैनल को देखते हो गए या कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हो गए तो वहाँ पर कंप्यूटर के वीडियोज़ है, बट जहाँ से मैंने पढ़ा है RRB PO मेंस के लिए, RRB क्लर्क मेंस के लिए मेरा क्वालिफाई हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ रेफर करूँगा वाईफाई स्टडी का। कंप्यूटर सर का तो नाम याद नहीं है, बट आप उनके चैनल पर जाकर कंप्यूटर के वीडियोस देखोगे, वो सर बहुत अच्छा पढ़ा, मतलब मुझे अच्छा लगता है उनका पढ़ना, उनसे पढ़ना अच्छा लगा, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या तो अड्डा में भी काफ़ी सोर्सेज है, वहाँ भी पढ़ सकते हो कंप्यूटर, बट मैं वाईफाई स्टडी पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगा था उनसे पढ़ना। मुझे कहा मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा था, जब RRB आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी अपना स्कोर, मेरा कितना अच्छा स्कोर था कंप्यूटर में। उसके बाद कंप्यूटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और आपको 20 दिन 25 दिन में वहाँ से कंप्यूटर पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बिकॉज कंप्यूटर और GK 80 मार्क है। आप 80 मार्क यहाँ पे, 80 में से जो बंदा 50 से 55 स्कोर कर देगा वो अपना गेम बना लेगा। सो प्लीज़ पढ़िए, बाकी मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश आप प्री दे के आए हो, क्वालिफाई की हो, आपका तगड़ा है, आपको ज़रूरत नहीं है। सो यदि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, यदि आपको लगा होगा कि भाई इसने इस समय आके एक प्रॉपर तरीके से बता दिया शॉर्ट एंड स्वीट में, तो आप प्लीज़ पढ़िए, और मुझे भी पढ़ना ही है एक्चुअली, तो मैं भी वही चीज़ करने वाला हूँ। सो उनते सारी को मिलते हैं, टिल देन यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एंड आपके भाई नितिन सिंह, जय श्री राम।